आपने अभी कहा, आपने देखिए ये अच्छा किया, स्पष्ट कर दिया कि जो लोग वापस आना चाहेंगे उनके लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन वहां शरद पवार जी की पार्टी में रोहित पवार कह रहे हैं कि बहुत सारे विधायक वापस आना चाहते हैं, ज्यादातर जो अजीत पवार के साथ गए थे, क्या उनको भी नहीं लेना चाहिए क्या उनको वापस? अब वो एनसीपी निर्णय लेगा, वो शरद पवार जी निर्णय लेंगे, वो सुप्रिया सूले जी निर्णय लेंगी। उन्होंने कहा है वो आना चाहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसे ही है जैसे शिवसेना वाले आना चाहते हैं, शिंदे सेना वाले आना चाहते हैं, पर उनके लिए दरवाजे बंद हैं। जो जो उन्होंने आरोप लगाए, जो गद्दारी में उन्होंने हिस्सा लिया, जो पन्नास खोखे खाकर इन्होंने सत्ता का मौज लुटाया है, अब देख रहे हैं हार निश्चित है तो इसलिए वापस आना चाहते हैं। ऐसे मौका परस्त लोगों के साथ हम नहीं खड़े। ओके, आखिरी सवाल प्रियंका, अब केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मुझे पता है खड़गे जी ने, आप सब ने, इंडिया गठबंधन ने कोशिश तो की जेडीयू टीडीपी इधर आ जाएं, लेकिन वो नहीं आए, और अब सरकार एनडीए की बनने जा रही है। आपको लगता है कि ये सरकार चलेगी प्रियंका? सबसे पहले तो हमने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है, पर हम कोशिश जरूर करेंगे और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि ये सरकार जो झूठी सरकार है, जिनका मॉरल अथॉरिटी नहीं है सरकार में बने रहने का, उनके लिए हम तटस्थ, हम लोग उनके विपक्ष में खड़े होकर उनसे जिम्मेदारी मांगे और जवाबदेही तय हो। और अभी तो आप देख ही रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मोदी जी ने कहा था अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर का पूरा जो पूरा करने का काम मिला है वो नीतीश कुमार जी को मिला है और चंद्रबाबू नायडू जी को मिला है, तो अभी हम भी करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। पर क्यों आएंगे वो दोनों आपके साथ, क्या वजह है बताइए जरा, क्यों आएंगे? एनडीए के साथ लड़े हैं, प्री पोल अलायंस में लड़े हैं, और उनका एनडीए का बहुमत आया है। देखिए मैं बस एक चीज कहकर खत्म करूंगी कि ये जो आए हैं साथ में, आप देखिए किस कारणवश आए हैं। क्या ये नेचुरल अलाइज नहीं, नेचुरल अलाइज नहीं है क्या? ये बात सही नहीं है, चंद्रबाबू नायडू जी जब जेल में डाले गए थे और उस समय पे अमित शाह जी ने काफी उनका मजाक बनाया था, अमित शाह जी ने बहुत सारी चीजें कही थी, क्या ये सत्य नहीं है कि अमित शाह ने ये भी कहा था कि इनके लिए, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद है? क्या ये बात सत्य नहीं है कि इतने पर्सनल अटैक्स नीतीश कुमार जी पे हुए हैं? क्या ये बात सही नहीं है कि बिहार को 1,20,000 करोड़ देने का स्पेशल पैकेज की बात थी और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने की बात थी? तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं अब कहूंगी पिक्चर अभी बाकी है मानक जी।